किसी व्यक्ति से कोई नहीं डरता, ना के पाठक, इसलिए के पाठक जिसे कोई नहीं डरता। मेरा चैलेंज है के पाठक जी को, पहले आप बच्चों को बैठने और उसको सही तरीके से पढ़ाने के लिए पूर्ण शिक्षक दीजिए, रूम दीजिए, तब 75% की बात कीजिए और टीचर की तनख्वाह काटिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इन दिनों सुर्खियों में है और शिक्षा विभाग से जुड़ी नए फरमान भी जारी कर रहे हैं, जिसको लेकर जब सवाल पूछा गया जाप सुप्रीमो पप्पू यादव से कि के पाठक से शिक्षक डरते हैं कि नहीं, जिसको लेकर पप्पू यादव ने साफ साफ कह दिया है कि जी नहीं, शिक्षक के पाठक से नहीं डरते हैं बल्कि कुर्सी से डरते हैं और पावर से डरते हैं। देखिए तमाम मुद्दों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। सर, इस देश में किसी व्यक्ति से कोई नहीं डरता, ना के पाठक जब अंग्रेज से नहीं डरा, जब मुगल से नहीं डरा, जब यूरोप से नहीं डरा, तो नरेंद्र मोदी या के पाठक या पप्पू यादव की क्या औकात है। हम डरते हैं भारत की संस्कृति से, सामाजिकता से, रिश्ते से, संविधान से, कानून से। के पाठक जी जैसे लोग हमेशा कानून के दायरे में रह करके बहुत काम किया जा सकता है। हम कानून के दायरे में रह करके 3 महीने के अंदर फांसी की सजा दिलवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि राजनीति के लिए ठैठ जो 3 बार शूटर है उसको जो चैलेंज होगा, जो गोली चलाएगा वो मरेगा। बिना गोली चलाए और बिना चैलेंज सरेंडर करने के बाद भी मारना, ये कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। इसलिए के पाठक जिसे कोई नहीं डरता, के पाठक जी चुनाव आयोग TN सेशन भी अच्छे आदमी थे, हमेशा कुर्सी और कानून से डरता है। टीचर कभी भी स्कूल से भागना नहीं चाहता। जब उनकी जिम्मेदारी 10 से 4 है तो टीचर कैसे भागेंगे। टीचर को आपने ही भ्रष्ट बनाने का प्रयास किया सिस्टम ने, उनको चावल रोटी दे दिया, ईटा बनाने के लिए घर दे दिया। टीचर को आपने ही चुनाव में लगा दिया, अन्य कामों में लगा दिया। मेरा चैलेंज है के पाठक जी को, पहले आप बच्चों को बैठने और उसको सही तरीके से पढ़ाने के लिए पूर्ण शिक्षक दीजिए, रूम दीजिए, तब 75% की बात कीजिए और टीचर की तनख्वाह काटिए। तो अभी आपने देखा जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। उन्होंने शिक्षकों के सवाल पे जमकर बरसते हुए कहा है कि शिक्षक किसी से नहीं डरते हैं, शिक्षक डरते हैं, कोई किसी से डरता है तो किसी के कुर्सी से और उसके पावर से, नहीं तो पप्पू यादव की क्या औकात और के पाठक की क्या औकात और नरेंद्र मोदी की क्या औकात। धन्यवाद, ऐसी तमाम खबरों के जुड़े रहें हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।